नमस्ते, आज मैं लेकर के आई हूँ समोसों का एक नया रूप। जी हाँ, जैसे हमारे दिमाग में एक समोसों की इमेज होती है, जैसे हम नेचुरली हमेशा समोसे खाते हैं, तो आज हम बिल्कुल हट के समोसे बनाने जा रहे हैं। हमने समोसों को दिया है एक नया शेप। देखिए, इनके ऊपर हमने कुछ चक्स बना दिए हैं और साथ ही इनके अंदर थोड़ी चीज़ की फिलिंग भी दी है, और इनको मैंने नाम दिया है चीज़ चेकर समोसे। आप इनको चीज़ पॉकेट्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये यूनिक रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले डो लगा लेते हैं। मैंने लिया है 2 कप मैदा, इसमें डाला है आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने दिया है 2 चम्मच घी। घी को हमने थोड़ा पिघाल लिया था, और जब हम घी का मोइन देते हैं तो समोसे बहुत ही खस्ता और कुरकुरे तैयार होते हैं। घी डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम इस तरह से मोइन डालने के बाद में अच्छे से मसल लेंगे, और जब तक कि एक मुट्ठी से नहीं बनने लग जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। ये देखिए, इसकी मुट्ठी से बनने लग गई है। तो अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी, और इससे हम इसका डो लगा लेंगे। हमको बिल्कुल भी जोर लगा के आटा नहीं गूंदना है, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह से नहीं लगाना है, सिर्फ आटा को इकट्ठा करना है। तो देखिए, जैसे हमको एक टाइट डो लगाना है, लेकिन बिल्कुल भी उसमें लोच नहीं देना है। और ये देखिए, इस तरह से हमने इसको इकट्ठा कर लिया है, और अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तो चलिए जब तक मसाला बना लेते हैं। हमने 1 बड़ा चम्मच ऑयल गर्म करने के बाद में डाला है 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, और इसको हम पकाएंगे जब तक कि हल्के से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो हम जो हमारा मसाला है इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा, समोसे का टेस्ट उतना बढ़िया आएगा। तो हम जो भी मसाले डालते जा रहे हैं, साथ ही साथ इनको चलाते भी रहेंगे। तो देखिए, तीनों चीज़ डालने के बाद में इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हरी मटर। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, करीब मैंने 1/4 कप हरी मटर ली है। इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे। और अब हमने लिए हैं 3 आलू जो हमने बॉईल करके मैश कर लिए थे। आलू डालने के बाद में इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया और थोड़ा सूखा पुदीना। तो इनका सबका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, धनिया का भी और पुदीने का भी फ्लेवर जो है समोसे में बहुत बढ़िया आता है। तो ये सब डाल के हम इसको मिलाएंगे, और अब डालेंगे हम मसाले। इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, बिल्कुल 2 चुटकी हम डालेंगे गरम मसाला, और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। इसके साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा जो साबुत धनिया होता है, उसको क्रश करके थोड़ा सा वो लिया है। अब ये जो हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, इसको हम चलाते हुए हमारे मसाले को भूनेंगे। जब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और मसाला बिल्कुल एक सा होने लग जाएगा, तब तक हम इस मसाले को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। देखिए, इस तरह से लगातार चलाते हुए, उलटते पलटते हुए भूने। गैस हमारी मीडियम फ्लेम पर है। ये देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल भून के तैयार हो गया, बहुत बढ़िया खुशबू आ गई है, सारे मसाले अच्छे से अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और हमारा मसाला ठंडा होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारा डो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हमारे चेकर समोसे बनाते हैं। हमने एक रोटी जितनी लोई ली है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से रोटी के साइज़ की हम लोई लेंगे, और उसको रोटी जैसा ही बेल लेंगे। अब हम इसको देखिए इस तरह से एक स्क्वायर की शेप देंगे। इसके जो है एजेस इस तरह से काट लेंगे और हमको एक स्क्वायर शेप मिलेगी। तो देखिए, हमने इस तरह से इसके सारे जो राउंड एजेस हैं वो काट लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, हम इस तरह से 4 कट लगाएंगे। हमको बीच में से थोड़ा सा पार्ट छोड़ना है, इनको 4 पीसेज में नहीं कन्वर्ट करना है। और ये देखिए, 2 साइड में हम इस तरह से, जैसे हम स्ट्रिप बनाते हैं, इस तरह से कट लगाएंगे। ये 2 अपोजिट साइड में हम इस तरह से कट लगाएंगे, और उसके बाद में हम एक अपने फिंगर से पानी जो है इसके सारे एजेस पे पानी लगा देंगे, क्योंकि पानी लगाने के बाद में ये समोसा अच्छे से चिपक जाएगा। तो हमने इसके सारे एजेस पे पानी लगा दिया है, और अब हम एक प्लेन कॉर्नर पे थोड़ा सा चीज़ रखेंगे, क्योंकि हम चीज़ समोसे बनाने जा रहे हैं। तो हम इसमें पहले थोड़ी सी चीज़ रखेंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ली है। इसके ऊपर हम जो है हमारे मसाले की थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे, और उसके ऊपर फिर से हम चीज़ की टॉपिंग रखेंगे।
ये सब रखने के बाद में ये देखिए इस तरह से हम इसको चिपका लेंगे। इसके जो सामने की साइड थी जिस पे हमने कट नहीं लगाए थे उसको हम इसके ऊपर चिपका लेंगे, क्योंकि हमने पानी लगा दिया था तो ये आसानी से आपस में चिपक जाएंगे। इसको अच्छे से चिपकाने के बाद में देखिए हम चेक्स बनाते हैं। अब हम एक एक स्ट्रिप लेकर और इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए एक बार इस साइड की स्ट्रिप लेंगे और एक बार इस साइड की स्ट्रिप लेंगे। इस तरह से जो है हमारे समोसे के बहुत ही सुंदर एक चेक्स जैसी जाली बन जाएगी, जो हमारे समोसे को बहुत ही अच्छा और डिफरेंट लुक देगी। ये देखिए इस तरह से हम वन बाय वन दोनों साइड की एक एक स्ट्रिप लेते हुए ये चेक्स तैयार करेंगे। बहुत ही यूनिक हमारा जो समोसा है ये नज़र आएगा। देखिए फिर हम इसको एक बार प्रेस करते हुए पका लें ताकि जब हम तलें तो ये खुले ना। ये देखिए बहुत सुंदर हमारा समोसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम जो है हमारे सारे पहले समोसे रेडी कर लेंगे और उसके बाद में हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम समोसों को डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करते टाइम आप ज़रूर ध्यान रखिए, तेल बहुत गर्म होता है तो आप ये काम बहुत सावधानी से करिए, क्योंकि छींटे उछलने का डर रहता है। तो आप एक बारी में दो समोसे से ज़्यादा कढ़ाई में बिल्कुल भी मत डालिए, नहीं तो क्या होता है कि समोसों को पलटने के लिए स्पेस नहीं रहता और समोसे इतने अच्छे से तैयार नहीं होते। अब आप गैस को रखिए मीडियम पे, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से लाल तो जल्दी हो जाएंगे पर अंदर से इतने खस्ता नहीं हो पाएंगे। तो देखिए हम बिल्कुल धीरे धीरे इनको पका रहे हैं। बहुत अच्छा हमारे समोसों का देखिए अब कलर आया है, बहुत ही खस्ता समोसे हमारे तैयार हुए हैं। देखिए इस स्टेज पर आप समोसों को बाहर निकाल लीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। ये देखिए जो इसके चेक्स हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो तैयार है हमारे चीज़ चेकर्स समोसे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।